यहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और उनको कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन हर काम पे लिया जा रहा है। दिंगेश्वर स्वामी जी ने कहा कि मुझसे 30% कमीशन लिया गया है। यहां पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम हुआ, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम हुआ, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम हुआ। और बीजेपी के एमएलए ने स्वयं कहा, मीडिया को कहा कि कर्नाटक में सीएम की कुर्सी 2500 करोड़ के लिए बिकती है। तो प्रधानमंत्री को ये चीजें मालूम है, ये छुपी नहीं है। अगर कर्नाटक के हर बच्चे को ये मालूम है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी ये मालूम होगा। तो मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से ये है कि पिछले 3 सालों में जब आपको मालूम था कि कर्नाटक में 40% चोरी हो रही है तो आपने क्या किया? आपने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की कोशिश की? आपने एक कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? और अगर आप आज आते हो, कर्नाटक की जनता से वोट मांगने आते हो, तो आपको यह समझाना चाहिए कि जब कर्नाटक की जनता से 3 साल के लिए 40% चोरी किया जा रहा था तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या एक्शन लिया, क्या डिसीजन लिया, रोकने की कैसे कोशिश की, यह बताना चाहिए। अब मैंने आपको कहा कि सरकार का काम जनता को मेरा प्रधानमंत्री से सवाल है कि जब आपको मालूम था कि यहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको मालूम था कि 40% कमीशन लिया जा रहा है, तो इसके बारे में आपने क्या किया? अपने भाषण में कर्नाटक की जनता को आप यह बताइए कि जब मुझे पता लगा कि 40% कमीशन लिया जा रहा था तो मैंने ये और ये किया।